Hello friends, in last video we have discussed about the nutrition and different modes of nutrition, and also we have covered the autotrophic mode of nutrition via the process of photosynthesis. Heterotrophic mode of nutrition is of three type: holozoic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. Now one by one we will discuss each of them. First, holozoic mode of nutrition. In this type of nutrition, animal take in solid food and break down it inside the body. Holozoic mode of nutrition में animal क्या करेंगे? Solid food को खा लेंगे और उनकी body के अंदर ही वो food break down होगा, क्योंकि ये ऐसे animal है जिसके पास फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है, एंजाइम है, तो वो पूरा सॉलिड खाना खा लेंगे और उसका डाइजेशन जो है, उनका ब्रेक डाउन जो है वो इनसाइड द बॉडी होगा. तो ऐसे एनिमल जो अपना पूरा खाना खा लेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे विद इन द बॉडी, तो उन्हें हम बोलेंगे, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है अमीबा एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. अमीबा एंड एनिमल्स सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को खा लेंगे और उसको खाने के बाद बॉडी के अंदर सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे. सो उनका टाइप जो होगा वो होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब दूसरा जो टाइप है दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. एग्जाम्पल फंजाई. हमने देखा है कि दो तीन दिनों से अनयूज ब्रेड का टुकड़ा अगर पड़ा रहता है तो उसके ऊपर हमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो होते हैं फंजाई. अब ये जो फंजाई है, क्योंकि उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि कोई भी डेड मैटर के ऊपर वो ग्रो होंगे और वो बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बॉडी के बाहर सिक्रीट करेंगे और बॉडी के बाहर ही फूड पार्टिकल को डिग्रेड करेंगे, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो इनसाइड द बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर लेंगे. अब ये मेथड को हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थर्ड वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन हैं तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए होस्ट होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो हमारी बॉडी के बाहर रह के ही न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे, जैसे कि मॉस्किटो बॉडी के बाहर रहते हुए भी वो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर सकता है. और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे और अंदर रह के न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे, जैसे कि वॉर्म्स होते हैं, ईकोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट में रहते हैं और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी कि होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे आइदर आउटसाइड फ्रॉम बॉडी और इनसाइड फ्रॉम द बॉडी, तो उसे हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, वो एक प्लांट पैरासाइट है. एक क्लाइंबर है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होगा और डायरेक्टली फ्रॉम अदर प्लांट वो अपना फूड ऑब्टेन करेगा, क्योंकि उसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है दूसरे प्लांट पे और दूसरे प्लांट से डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है. दूसरा एग्जाम्पल है टिक्स, मॉस्किटो, ये सारे ही पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है. दिस इज ऑल अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थ्री टाइप्स: होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक.